हेलो दोस्तों, मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बहुत खुशी हूँ। हाँ, आज का जो मौसम है ना, वो थोड़ा ऐसा बारिश जैसा है, तो ठंडा ठंडा लग रहा है। और मैं आज जल्दी उठ गई, रोज के हिसाब से थोड़ा जल्दी उठ गई। मतलब मैं बहुत जल्दी नहीं उठी, लेकिन रोज के हिसाब से, क्योंकि मम्मी को और मेरे देवर को जाना था खेत में गाय के लिए चारा लेने के लिए। वैसे तो खरीद के आता है, लेकिन इस बार लाना था खेत में से, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो हम लोगों ने बोया रहता है उसमें भी घास ज्यादा हो जाती है ना, तो वो निकालनी भी पड़ती है और वो गाय के लिए भी काम में आ जाता है। वैसे मैंने अभी तक मेरी गाय देखी नहीं है। कहते हैं कि एक गाय है, उसकी तीन बच्चे हैं, दो लड़की है, एक लड़का है। मतलब आप लोग समझ लीजिए, मुझे सिर्फ अभी तक मैंने बड़ी गाय देखी, बाकी के देखे नहीं है। छोटा होता है एक बच्चा तो वो सामने बंधा रहता है। गाय का जो सबसे छोटा वाला बच्चा है वो तो मैंने देखा, क्योंकि घर के सामने बंधा रहता है। लेकिन उसकी जो दो बड़ी बेटी है मेरी गाय की, मेरी गाय दिखती मेरे कमरे से, लेकिन उसकी जो दोनों बेटियां हैं वो नहीं दिखती। मैं आज कहूंगी मेरे देवर से, फिर मेरी सासू माँ से, कि मुझे वहां तक लेके चलो, मुझे देखना है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, शायद से, फिक्स नहीं होता है कुछ भी। और कुछ और दिखाऊँ तो, मेरे देवर का पढ़ाई का सामान है, इधर मेरे पढ़ाई का सामान है, क्योंकि हम लोग तीनों लास्ट ईयर में, तीनों नहीं दोनों ही, हाँ हम दोनों लास्ट ईयर में, और ये हमारे प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट कंप्लीट हो रहे हैं। क्या करते, पढ़ाई नहीं छूटती, और वो करने भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं जब मालेगांव जाऊँगी तब मेरे एग्ज़ाम होंगे, तो मुझे वहाँ पर लगेगा, और शायद मैं वहाँ पर टाइम ना निकल पाऊँ, क्योंकि जैसे ये अभी खुद का घर है ना, तो यहाँ पर टाइम मिल जाता है। वहाँ पर जाने के बाद मम्मी से मिलो, नानी से मिलो, मामा से मिलो, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, टाइम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहीं पे कंप्लीट कर लेती हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो कि मेरी सासू माँ जो है वो दाल चुन रही है। मतलब ये घर की दाल होती थी, इसको चुना जाता है, साफ किया जाता है, मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती है जो मुझे नहीं पता है। मैंने अभी भी देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी मेहनत लगती है, बड़े कष्ट होते हैं इन सब चीज़ों में भी। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह किया जाता है। मैं तो आपको आधी प्रोसेस दिखा रही हूँ, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है इस दाल को बनाने के लिए। अभी बज रहे शाम के 6, और मैं ना सो गई थी दोपहर में। मेरा मतलब मन करता है कि दोपहर में मस्त कूलर में सो जाओ। और इधर आज मैंने आलू उबालने के लिए रखे, बनाएंगे समोसे, क्योंकि कुछ टेस्टी बनाने का मन करता है। बाहर का जो होता है बहुत ऑयली होता है, और उतना अच्छा नहीं लगता है। जो घर का होता है उसमें मज़ा भी आता है। तो मेरे आलू जब उबल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो समोसा खाने के लिए रेडी रहो। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मुझे गाय देखनी, तो ये मेरी काली वाली गाय, इसका कावेरी नाम है। और इधर इसके तीन बच्चे, नहीं सॉरी, इधर दो ही बच्चे, एक बच्चा आ गए, नहीं तीसरा भी बच्चा दिख गया यार, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो आप देख सकते हो इधर दो लड़कियाँ हैं और इधर एक लड़का है, मतलब आप समझ लीजिए मेरी लैंग्वेज। हमारे खेत में ना प्याज बोया जाता है, तो प्याज रखने के लिए कुछ इस तरह से बनाया जाता है, झोपड़ी टाइप, इसको क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है जो पूरा पैकिंग कर दिया जाता है। और इधर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरी गाय इधर साइड में बंधी हुई है। इधर मेरे समोसे पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, इतने अच्छे से परफेक्ट नहीं बने लेकिन फिर भी रेडी हो चुके हैं। इधर कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए है, शायद मैं उतना परफेक्ट नहीं तल पाती, इसलिए मेरी सासू माँ तल के दे रही है, क्योंकि उनको टेक्निक है तलने की, उतना ज़्यादा मुझे नहीं है। वो एकदम कम गैस पे और मीडियम गैस पे, फिर बड़ा के गैस पे कुछ परफेक्ट टाइम से बराबर तलते हैं। तो उनको ही मैंने बोला कि आप आपके हाथ से तल के दीजिए, तो जो खाने में भी टेस्ट लगेगा। हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, समोसे भी हम लोगों ने गटक लिए, और अभी मुझे सोडा पीने का मन था इसलिए मैंने सोडा मंगवाया। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।